नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल DSS न्यूज, जहां हम लाते रहते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी हर न्यूज हर घंटे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जैन नगरी के सबसे बड़े गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की, और साथ ही में हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, जो कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इन सभी इलाकों का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। तो इन दोनों ही गैंगस्टरों में हम ऐसी एक खास चीज देखने वाले हैं, जो कि इन्हें आपस में एक जैसा बनाती है। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की हत्या के बावजूद भी दुर्लभ कश्यप गैंग में ऐसे कई सारे अपराधी या फिर गैंगस्टर हैं, जो कि कई सारे इलाकों में अभी भी सक्रिय हैं, जो कि बड़े बड़े अपराधों को अंजाम भी देते हैं। और वही अगर हम बात करें लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में भी 1000 से ज्यादा बदमाश मौजूद है, जो कि अपने पूरे काम धंधे को डिजिटली ऑपरेट करते हैं, यानी कि अपने सारे अपराध भरे कामों को डिजिटल यानी कि ऑनलाइन माध्यम से चलाते हैं। तो वहीं दुर्लभ कश्यप की गैंग भी कुछ इसी तरह से काम करती थी और शायद अभी भी करती है। यही कुछ बातें हैं जो इन दोनों गैंगस्टर्स को एक जैसे बनाती हैं।